नगर परिषद नांदुराचे नगर सेवक मोहम्मद मुजम्मिल फुरकान अहमद रहमान यांनी गैबी नगर येथील स्थानिक रहिवासियांच्या घरावरून गेलेली विद्युत तार हटवणे तसेच एबीसी केबल टाकण्यासाठी दिनांक 5 मेला एक दिवसीय धरणे आंदोलन केले. यावेळी उपकार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र राज्य वितरण कंपनी यांना दिलेल्या निवेदनात स्थानिक रहिवासियांच्या घरावरून किंवा घराला लागूनच असलेल्या तारांमुळे जीवित तसेच वित्तहानी होऊ शकते आणि अशी संभावना व्यक्त केली होती. दरम्यान उपकार्यकारी अभियंता यांनी आंदोलनाची दखल घेऊन जिल्हा नियोजन योजनेअंतर्गत उपरोक्त काम मंजूर करून घेतले तर वर्क ऑर्डर मिळाल्यावर लगेच काम सुरू करण्यात येईल असे लेखी पत्र एक दिवसीय धरणे आंदोलन करते नगर सेवक मोहम्मद मुजम्मिल फुरकान अहमद रहमान यांना दिलेले आहे. त्यानंतर सदर आंदोलनाची यशस्वी सांगता करण्यात आली. एमसीएन न्यूज करिता विठ्ठल भातुरकर नांदुरा. एक दिवसीय धरना आंदोलन पर बैठे कि गैबी नगर में 30 साल से लोगों के घरों के ऊपर से जो तार गुजरे हुए थे उस तारों से उनको जानी और माली नुकसान किसी भी वक्त हो सकता था. हमने एमईसीबी को 3 साल पहले एक निवेदन दिया गया था 27 तारीख 5वां महीना 2020 को कि वो तार शिफ्ट करके उसको योग्य मार्ग ने शिफ्ट करावे तिथे विद्युत तार काटू एबीसी केबल डालने के लिए. लेकिन एमईसीबी ने उस पर बाद में 8 महीने के बाद सर्वे किया. उसके बाद में हमने 4 रोज का आमरण उपोषण किया 2021 में मार्च के महीने में. फिर 7वें महीने में उसका टेक्निकल सेंक्शन होने के बाद में हमने उसी महीने में अधीक्षक साहेब बुल्ढाना इनको निवेदन दिया गया था कि जो काम गैबी नगर का पास हो चुका टेक्निकल सेंक्शन हो गया उसका काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए. लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ. वो काम शुरू करने के लिए हम एमईसीबी के सामने एक दिन का धरना आंदोलन कर रहे हैं कि वो काम जल्द से जल्द कर जो गैबी नगर के रहने वालों को जो तकलीफ है जो उनके घर के ऊपर 24 घंटे मौत है वो मौत को हटाकर उनको जो होने वाला तरास है उससे मुक्त किया जाए और लोगों का जानी और माली नुकसान से लोगों की हिफाजत किया जाए. इसके लिए हम एमईसीबी के सामने एक दिन धरना आंदोलन पे बैठे हैं.